देखिए, आप लोगों ने मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। उसमें से आपने एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को टारगेट भी कर लिया। पूरे सेगमेंट को या उसके एक हिस्से को आपने टारगेट भी कर लिया, या एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को आपने टारगेट भी कर लिया। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? मार्केटिंग स्ट्रेटजी में अगला स्टेप ये होगा कि आप चूज करें कि आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, और उसके बाद आप तय करें कि आपकी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम इन दो बातों को थोड़ा सा तफसील में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ कि पोजिशनिंग क्या है और पोजिशन क्या चीज़ होती है। देखिए, आप जब ऑपरेट कर रहे होते हैं मार्केट में, तो आप अकेले ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं, आपके साथ और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने सेम सेगमेंट्स को या सेगमेंट्स को या सेगमेंट को टारगेट किया होता है। अब आप किस तरह उनके मुकाबले में ज़्यादा काबिले कबूल हो सकते हैं, सिर्फ उसी सूरत में पहली कि जब आप उनसे मुख्तलिफ हों और आप उनसे बेहतर हों। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जब वो टारगेट कर लेती है सेगमेंट्स को, तो वो डिसाइड करती है कि उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। अब पोजीशनिंग है क्या? बुनियादी तौर पे पोजीशनिंग तो वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए कस्टमर के जहन में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन हासिल करना चाहती है, ताकि उसको दूसरों से डिफरेंट भी समझा जाए और उसको उनसे बेहतर भी समझा जाए। अब गौर कीजिए कि द प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन विशेज टू हैव इन द माइंड ऑफ द कस्टमर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपेरेटर एंड बेटर देन द कंपेरेटर इज नोन एज प्रोडक्ट पोजिशन, और द प्रोसेस बाय विच सच पोजिशन इज अटेंड इज नोन एज पोजिशनिंग। गौर कीजिए, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जब उनका नाम लिया जाता है या किसी फीचर का नाम लिया जाता है, जिस तरह कंफर्ट का जब आप नाम लेते हैं, तो इससे एसोसिएटेड बहुत सी प्रोडक्ट्स आपके जहन में आ जाती हैं। इकोनॉमी का जब आप जिक्र करते हैं, तो इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आ जाती हैं। इसी तरह से आप ड्यूरेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो बहुत सी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाती हैं। असल में ये वो पोजिशनिंग है जो कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट्स के लिए आपके जहन में, आपके दिमाग में बनाई होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात तो क्लियर हुई है कि पोजिशनिंग क्या है, यानी अक्वायरिंग अ डिस्टिंक्ट पोजिशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, इसको हम पोजिशनिंग का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपकी जो पोजिशनिंग होती है वो आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे डिपेंड कर रही होती है। आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस असल में आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होता है, और आप करते ये हैं कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस चूज करते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। अच्छा, अब वो प्राइस की बेस पर भी हो सकता है और क्वालिटी की बेस पर भी हो सकता है। हमें माइकल ई पोर्टर ने ये गाइड किया है कि बुनियादी तौर पे दो आप पोजीशंस ले सकते हैं मार्केट के अंदर, यानी तीन उन्होंने बताई हैं, लेकिन उसकी बुनियाद दो ही है। नंबर एक कि यू कैन बी अ लो कॉस्ट ऑपरेटर, यानी प्राइस की बेस पर आप अपने आप को डिफरेंट कर सकते हैं। नंबर टू, यू कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन क्वालिटी, आप अपनी क्वालिटी या अपने फीचर्स की बुनियाद पर दूसरों से डिस्टिंक्ट या मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि आपने इन दोनों में से किस पॉइंट पर अपने आप को रखना है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं। अगर वो अपर इनकम का सेगमेंट है, तो ऑफ कोर्स आप क्वालिटी की बुनियाद पर, फीचर्स की बुनियाद पर अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो लोअर इनकम सेगमेंट है, तो फिर आप अपने आप को प्राइस की बेस पर डिस्टिंक्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो वो पॉइंट जिस पर आप अपने आप को अपने कंपेटिटर से मुख्तलिफ करना चाहते हैं, उसको पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी कहते हैं और आपका कंपेटिटिव एडवांटेज भी कहा जाता है। तो आम तौर पे अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए जो ऑप्शंस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं, वो ये पांच होती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी आपकी जो प्रोडक्ट है वो फंक्शनली दूसरों से मुख्तलिफ है, कोई फीचर उसमें ऐसे हैं, जिस तरह हम मोबाइल की बात करते हैं ना, तो कुछ कंपनीज अपनी कैमरा क्वालिटी की वजह से, कुछ अपनी कलर स्कीम्स की वजह से, कुछ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, कुछ अपने जो मुख्तलिफ उसकी आई मीन जो उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है, उसकी वजह से दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं। तो एक ये है कि यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट।
नंबर टू सर्विस आपका डिफ्रेंसिएशन है, यानी प्रोडक्ट तो सबकी एक जैसी है लेकिन जो आप आफ्टर सेल सर्विस है वो दूसरों से बेहतर दे रहे होते हैं। नंबर तीन आप चैनल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दूसरे तमाम लोगों की प्रोडक्ट सिर्फ फिजिकली जाके खरीदी जा सकती हैं, आप ऑनलाइन भी सेल की परचेज की ऑप्शन दे देते हैं उनको। नंबर चार आपके जो लोग हैं पीपल हैं दे आर डिफरेंट। अच्छा अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक्सरसाइज करें। वो एक्सरसाइज क्या करें, आप एक्सरसाइज ये करें जनाब कि आप डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड्स हैं उनके विजिट करें और फिर आप असेस करें कि किसके जो पीपल हैं जो लोग हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि बाज़ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली वही होती हैं जो दूसरों की होती हैं लेकिन उनका जो स्टाफ होता है वो दूसरों से बहुत बेहतर होता है अपनी डीलिंग के अंदर। तो बाज़ लोग अपने पीपल की बेस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। और उसके बाद पांचवी ये है इमेज। असल में हकीकतन तो कोई फ़र्क नहीं होता लेकिन दे मैनेज टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ बेस्ड ऑन देयर वेरी इमेज। वो अपने इमेज की बेस पर डिफ्रेंशिएशन जो है वो कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पांच बातें क्लियर हुई होंगी। अच्छा अब हम देखते हैं कि डिफरेंसेस के हवाले से किन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर वन कि जो डिफरेंसेस आप प्रोडक्ट में प्रमोट कर रहे हैं दीज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, यानी वो ऐसे डिफरेंसेस ना हों जो कि कस्टमर समझेगा यार ये क्या कॉस्मेटिक सी चीज़ है, इसमें असल में तो कोई डिफरेंस नहीं। जिस तरह गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल इकोनॉमी आपने जो इंजन रखा है उसकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपने उसकी फ्रंट ग्रिल बदल दी है या उसके ऊपर कोई आपने ऐसा एंटीना सा लगा दिया है इट विल नेवर बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय द कस्टमर। ये तो कॉस्मेटिक चीज़ है, इसमें तो कोई ऐसी फंक्शनैलिटी में आपने इम्प्रूवमेंट नहीं की है। फिर डिस्टिंक्टिव भी होना चाहिए, यानी उसको दूसरों से वाकई ही वाजिया तौर पर उसका फ़र्क नज़र आना चाहिए। तीसरा सुपीरियर, यानी वो दूसरों से बहुत हद तक बेहतर भी हो। फिर कम्युनिकेबल, डिफरेंस ऐसा हो कि अगर आप चाहें तो उसकी बेस पर अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को डिफरेंट बना सकें। फिर प्रीएम्प्टिव होना चाहिए, यानी मार्केटिंग में हम ये कहते हैं इट इज़ बेटर टू बी फर्स्ट देन टू बी बेटर, यानी पहले होना बेहतर होने से बेहतर होता है। आप वो जो बेनिफिट या डिफरेंस ला रहे हैं वो उससे पहले ही आपने मार्केट में दे दिया हो जिससे पहले आपके कंपेटिटर्स वो लाएं। फिर अफोर्डेबल, ये ना हो कि वो डिफरेंस जो आप ला रहे हैं वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो कि कस्टमर बेचारा उसको अफोर्ड ही ना कर सके। एंड देन फाइनली आपके नुक्ता नज़र से कि वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, यानी उसकी बेस पर आप उतना मार्जिन चार्ज कर सकें जो कि आपको प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको पोजिशनिंग, डिफरेंसेस और जो डिफ्रेंसीशन और कंपेरेटिव एडवांटेज है उसका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।